कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे आदरणीय माकन साहब। आदरणीय साहब गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह काचरियावास जी, उदयलाल जी, प्रमोद भाया जैन जी, गिरजा व्यास जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, यहां पर उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही 3 उपचुनाव राजस्थान में हुए थे, राजसमंद में, सहाड़ा में, सुजानगढ़ में, और तीनों उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के 2018 के मुकाबले 10% वोट फालतू मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 25% वोट फालतू मिले थे। और ये हमारी कांग्रेस की सरकार की लोकप्रियता की निशानी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एकता की निशानी है, जिसकी वजह से हम लोग इतने भारी बहुमत से हम लोगों ने यहां पर काम किया। और मुझे पूरा यकीन है कि यहां पर इन विधानसभा चुनावों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी दोनों के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पहले से भी कहीं ज्यादा वोट लेकर के रिकॉर्ड यहां पर से बनाने जा रही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, मुझे पूरा यकीन है आज। लेकिन जब मैं यहां पर आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, बावजूद इसके कि कांग्रेस की सरकार की लोकप्रियता आप सब लोगों के सामने है, अच्छे काम आप सब लोगों के सामने है, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे बजट के माध्यम से और उसके बाद विकास की गति को तेज बनाने की बात हो, लेकिन साथ साथ में ये चुनाव के अंदर कांग्रेस को वोट देना इसलिए भी जरूरी है कि केंद्र के अंदर जो भाजपा की अहंकार में डूबी हुई सोई हुई सरकार है, उसको आपका एक एक वोट उस सोती हुई सरकार को जगाएगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, अगर आप लोग पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हुई, काम धंधे के अंदर सबसे ज्यादा कमियां हुई, लेकिन क्या यह केंद्र सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सब जगह के ऊपर केंद्र सरकारों ने आर्थिक पैकेज देकर के अपने लोगों की मदद करी, लेकिन भारत सरकार इसके अंदर शामिल नहीं, सामने नहीं आई। आज पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के, डीजल के दाम और दूसरी सभी चीजों के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर दाम बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस के पिछले 1 वर्ष के अंदर 305 रुपया रसोई गैस का दाम बढ़ा। हमारे डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज पे एक्साइज लगाते लगाते 23 लाख करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर का है। और आज हमारे देश के अंदर हर जगह के ऊपर महंगाई बढ़ रही है। आज यहां पे गृहणियां बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को अपने घर को चलाने में क्या दिक्कत, कितनी दिक्कत आती है। तो ये केंद्र के अंदर सोई हुई अहंकार के अंदर डूबी हुई सरकार को अगर आपने जगाना है, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का इसकी महंगाई के और इस अहंकार में डूबी हुई सरकार के खिलाफ वोट होगा, इसलिए और भी जरूरी हो जाता है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं। ये कहने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर इनके खुद के केंद्रीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम सबक सिखा देंगे, हम सामना करेंगे और सबको सबक सिखा देंगे, और उसके कुछ ही दिन के बाद उन्हीं गृह मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देता है किसानों को और उसको गिरफ्तार, उसके ऊपर कार्रवाई तक नहीं की जाती है। गिरफ्तार किसको किया जाता है, प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है जो कि पीड़ित परिवारों का हाल पूछने के लिए जा रहे हैं। तो क्या ये लोकतंत्र है, क्या ये अहंकार नहीं है? तो आपका एक एक वोट किसानों के लिए है, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का बेरोजगार युवकों के लिए है, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का महंगाई को घटाने के लिए है, आपका एक एक वोट यहां पर गुलाब सिंह शक्तावत जी, गजेंद्र सिंह शक्तावत जी के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट आपका यहां पर पड़ना चाहिए। यह कहने के लिए आज मैं दिल्ली से आप लोगों के बीच में आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे और उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को हमारे सरकार के किए गए कार्यों को, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की एकता को आप लोगों ने वोट दिया, उसी प्रकार से यहां पर भी आप लोग कांग्रेस पार्टी को कहीं ज्यादा मतों से आप लोग यहां पर जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे सबके लाडले
राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक मॉडल बनाया, फ्री दवा, फ्री जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, ऐसे अशोक गहलोत जी आए और जोरदार ताली बजा के स्वागत करें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। हमारे AICC के महामंत्री प्रभारी राजस्थान भैया माखन जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, आदरणीय गीता दास जी, डॉक्टर रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह खचरवास जी, उदिला अंजना जी, गणेश घोगरा जी, प्रमोदन भाया जी, रफी खान साहब, हेम सिंह शेखावत अध्यक्ष सेवा दल, पुष्कर डांगी जी, लाल सिंह जी झाला जिला अध्यक्ष, तेज सिंह जी बांसी, भीम सिंह जी छुड़ावत, कुबेर सिंह जी चावड़ा, जगदीश सेमाली जी, सुरेंद्र जाड़ावत जी और हमारे वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी रावत साहब और हमारे के नेता बैठे हुए हैं, भाई और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे आज आपके रूबरू होने का सौभाग्य मिला। हमारी बहनें माताएं सब बैठी हुई है प्रीति सक्तावत को आशीर्वाद देने के लिए। जैसे आप सब जानते हैं कि आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रीति सक्तावत को आपके यहाँ से उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित किया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको गजेंद्र सक्तावत किस प्रकार से हमारे बीच नहीं रहे, और मुझे भी याद है कि जब वो भर्ती थे दिल्ली के अंदर, तब भी मैं लगातार उनके संपर्क में था, उनके डॉक्टरों के संपर्क में था और लगता था बच जाएंगे वो। उस वक्त भी वो बात करते थे तो कहते थे मेरे क्षेत्र में कॉलेज बनने चाहिए, तो जो कॉलेज मैंने बाद में घोषणा करी उसके पीछे यही कारण था कि स्वर्गवासी होने के पहले भी उनकी इच्छा थी कि मेरे क्षेत्र में कॉलेज बने। क्या कॉलेज बनी? कॉलेज के साथ में लंबी फहरिस्त है कि उपखंड कार्यालय बन गया, पंचायत समिति भी बन गई, निर्माण भी हो गया नवसर्जित पंचायत समिति कुरावड़ का, कानोर में, भिंडर में, बुरावड़ में, कुरावड़ में, उप तहसील को तहसील में बना दिया, क्रमांक कर दिया, PSC खरौदा को CSC, लघु समाज बैठे हैं एक झटके में उन्होंने क्रमांक कर दिया, और वल्लभ नगर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इसी सत्र शुरू हो रहा है, नया भवन बन रहा है, IIT के लिए ITI के लिए भूमि आवंटन हो गई, वल्लभ नगर में छात्रावास निर्माण पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने का तय कर लिया, और खेरोदा मैनार वल्लभ नगर में नवीन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक राजकीय विद्यालय, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। ये इन्हीं की सोच थी कि गाँव के अंदर भी अंग्रेजी स्कूलें खुलनी चाहिए। आप देखते हो कि शहरों में जो पढ़ लिख जाते हैं, शिक्षा का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, पता नहीं कितने लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चों को, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो इन्होंने सोचा हम गांव में कस्बों में भी अंग्रेजी स्कूल खोलें, तो महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी स्कूल खोलने लगी इंग्लिश मीडियम की, और इतनी भीड़ पड़ रही है कि लॉटरी खुलने लगनी है, लॉटरी के माध्यम से एडमिशन दो। ये आज पूरे प्रदेश की स्थिति बन गई, करीब 1200 स्कूल बन गई है, 5000 की आबादी पे मैंने फिर घोषणा करी है कि स्कूल बन जाएगी। कहने का मतलब है कि काम की जो भी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, बहुत लंबी लिस्ट है किस प्रकार सड़कों के काम, किस प्रकार जल जीवन मिशन में घर घर में घर घर में पानी पहुंचाने का काम, ये खाली कोई केंद्र का नहीं है,
आधा आधा पैसा केंद्र राज्य सरकारें दे रही है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इतने काम किए हैं कि अभी मेरे पूर्व में कहा गया आपको कि आप निश्चिंत रहे, काम की कमी नहीं आने देंगे। आज गजेंद्र सत्तावत नहीं रहा हमारे बीच में, तो हमारी ड्यूटी बन गई थी कि जो वो नहीं रहे हैं, पर फिर भी वल्लभ नगर का विकास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने अभी तो मैंने आधी लिस्ट पढ़ी आपके सामने, बाकी तो सड़कों लगाए कई काम हैं। जानबूझ के हमने ध्यान रखा कि महसूस नहीं हो लोगों को कि हमारा प्रतिनिधि नहीं है, तो आज हम लोग महरूम हो गए काम से, बाकी जगह काम हो रहे हैं। राजस्थान भर में काम करने में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने, पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का हो, बिजली का हो, कनेक्शन देने की बात हो, शिक्षा की स्कूल खोलने की बात हो, 123 तो कॉलेज खोली हम लोगों ने, इतिहास में 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, 123 कॉलेज एक साथ में खोली राजस्थान भर के अंदर। तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कोई कमी नहीं रखी इस रूप में। हे भाई, हे बंद करो, हे शांत रहो। इस प्रकार से हम लोगों ने एक के बाद एक काम हाथ में लिए। तो मैंने महसूस किया कि वल्लभ नगर की जनता को ये नहीं लगना चाहिए हमारा प्रतिनिधि दुनिया में नहीं रहा, तो इसलिए हम पीछे रह गए। इसलिए हमने जानबूझ करके ध्यान दिया इस क्षेत्र का। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, ये चुनाव वैसे भी कहा गया आपको ना सरकार बदलने का है और ना बीजेपी जीतती थी तो कोई फर्क पड़ने का है। सवाल ये बात का है कि आप एक मैसेज देंगे राजस्थान की जनता को कि 2.5 साल से अधिक समय हो गया सरकार बने, आपके आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी, हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी आपकी, हर क्षेत्र में हमने विकास के काम किए। कोरोना आ गया 1.5 साल तक, हमें तो खाली 13 महीने मिले काम करने के, 13 महीने खाली, बाकी टाइम तो 31-33 महीने का कुल काम मिला, टाइम मिला, उसमें तो अधिकांश समय चला गया कोरोना के अंदर भी। और कोरोना के अंदर भी आपके आशीर्वाद से जो हमने जो काम किया, जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई, फ्री मेडिसिन, फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, कोरोना की पूरा इलाज फ्री, बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सब जगह के लोग यहाँ आके इलाज करवा रहे हैं, स्थिति बन गई। भीलवाड़ा मॉडल इतना पॉपुलर हुआ हमारा कि देश में नहीं, देश के बाहर दुनिया के मुल्कों में भी राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को अप्रिशिएट किया गया कि बहुत शानदार मॉडल है, इसी के माध्यम से हम कंट्रोल कर पाएंगे कोरोना का। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई और आप लोगों ने कमी नहीं रखी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो आप लोगों ने कितना खाना खिलाया लोगों को, जान दिया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया, सामाजिक संस्थाएं आगे आए, धर्म गुरु आगे आए, राजनीतिक पार्टियों के लोग आगे आए, जिसका जो बस चला उसने खाना खिलाने में पहली बार, पहला फेज था कोरोना का, तो आपने कोई कमी नहीं रखी। और दूसरी लहर आई बहुत खतरनाक थी, वो सीधा लंग्स के अंदर फेफड़ों में इफेक्ट होता था उसका, और कई लोग मर जाते थे, ऑक्सीजन का हाहाकार मर गया। तो राजस्थान सरकार ने इस प्रकार से प्रबंधन किए जिससे कि हमारे यहाँ दुर्घटना नहीं हुई, दिल्ली की तरह, कर्नाटक की तरह, कई राज्यों में यूपी की तरह लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, हमने सबको बचाया यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने 13 महीने भी वो काम करके दिखाए, पिछला बजट हमने पेश किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको आश्चर्य हुआ कि कोरोना में रेवेन्यू तो 80% कम हो गई, लॉकडाउन लग गया, सब घरों बंद है, फैक्ट्री बंद, दुकानें बंद, तो बजट क्या पेश होगा। इतना शानदार बजट पेश किया कि सब लोगों का आश्चर्य हुआ और सब लोग खुश हो गए एक साथ में कि बहुत शानदार बजट आया हमारा। और बजट खाली घोषणा नहीं हुई है, जो MLA मुझसे मिलने आ रहा है उनको मैं पूछता हूँ तो कहता था खाली घोषणा नहीं की आपने,
जो घोषणा हुई वो हमारे लागू हो रही है, सड़कें बनने लग गई है, टेंडर हो गए हैं, एसडी ऑफिस खुल गया है, तहसील खुल गई है, कॉलेज बन गई है, जिसकी जो घोषणा हुई वो सब काम पूरे हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप अगर इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मिलता प्रीति सत्तावत को, उनके लिए हमने सिर्फ 2.5 साल अभी बाकी है, 2.5 साल में उसका टेस्ट भी हो जाएगा आपके लिए वो कैसा काम करती है। 2.5 साल ही है खाली, अगर 2.5 साल में जम के काम करे तो आगे आप देखना, उसके लिए एक मौका उनको दो, वो एक प्रकार से सजा के सुमन होंगे बंटी को भी, वो आज दुनिया में नहीं है तो उनकी धर्मपत्नी पे विश्वास किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, एक मौका उसको देना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है। उसी रूप में हमने सब ने एक राय होकर के, जो यहाँ बैठे हुए वो भी और बाकी नेता भी, एक राय होकर के उनको टिकट दिया है, आपके विश्वास के आधार पर टिकट दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमी नहीं रखेंगे और सरकार जिस रूप में काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि पिछले कई सालों से सरकारें बदलती रहती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार हम इतना अच्छा काम करना चाहते हैं आपके सामने, जैसे अगली बार भी सरकार आप कांग्रेस की ही लाओ, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे। इस रूप में हमारा संकल्प है, अगर आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, समर्थन रहा, तो आप निश्चित रहो हम वो काम करके दिखाएंगे जिससे कि आपका खुद का मन करे, क्योंकि पहले भी सरकारें हमने काम बड़े अच्छे किए थे पर फिर भी सरकार बदल गई, कभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बदल गई, कभी किसी नाम पे बदल गई। इस बार आप लोग ये संकल्प कर लें, लेखा जोखा करते जाएं, हमारी गलतियां बताते जाएं, हमारी उपलब्धियों के ऊपर आप चिंतन करें, आपको लगे कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर आपको भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अगली बार तो कांग्रेस को सरकार बना के दिखा दो आप। इस रूप में मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग हालात देख लो देश में क्या हो रहा है, अभी मेरे साथियों ने बताया आपको, आज साल भर हो गया किसानों को धरना दिए हुए पंजाब बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर, क्या हो रहा है, एक साल हो गया, 70 साल में कभी नहीं सुना होगा आपको कि किसानों को इस प्रकार से दुख झेलना पड़ा हो, खाली काले कानून खत्म कर दो मांग है उनकी, ये हमारे हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। हमने नए कानून बना दिए तो गवर्नर साहब के यहाँ पड़े हैं, वो राष्ट्रपति के पास भेज ही नहीं रहे, वो तो आप सोच सकते हो कि सरकार कितनी जिद्दी सरकार है, और लोकतंत्र में जिस प्रकार का उनका रवैया काम करने का है वो ना लोकतांत्रिक है ना धर्मनिरपेक्षता का है, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, बड़कवैखा रहे हैं, धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे आ रहा है, उन लोगों का भी जनता समझ गई, खाली बड़े बड़े लंबे जड़े भाषण देने से काम नहीं चलता है, पेट भरने के लिए तो आप सोच सकते हो क्या क्या करना पड़ता है। आज पेट्रोल डीजल के दाम 13 दिन हो गए हैं रोज बढ़ रहे हैं, 108 रुपये हो गए, आप कल्पना कीजिए। इस प्रकार से जो कमाई कर रही है भारत सरकार, कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं करके पेट्रोल डीजल और गैस के नाम पे पैसा कमा रही है और देश चला रही, उसका भार महंगाई के रूप में सामने आता है, हर चीज महंगी आ रही, किसान को उसका ऊपर का पूरा मूल्य मिलता नहीं है, ये हालात है। यूपी में क्या हुआ आपने देखा होगा टीवी के अंदर, किस प्रकार एक गाड़ी जो है किसान साइलेंट, किसान और बुजुर्ग लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, उनको आप उनके ऊपर गाड़ी चला दो, ऐसा कभी देखा आपने जिंदगी में, अगर दृश्य आपने किस प्रकार लोग दोनों तरफ वहां पे बिखर गए, किस प्रकार उनकी हालत हुई, कितने किस प्रकार मारे गए होंगे कोई सोच सकता है। और उसके बाद में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जाए तो आप मिलने नहीं दो उनको, अरे विपक्ष का काम है जाके बात सुनना, समझना, गहराई में जाना, ये लोकतंत्र की परंपरा है, उससे फायदा ही होता है, सच्चाई सामने आती है, पर उसको रोक दिया गया।
तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी गुलाब सिंह सत्तावर साहब जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना था 20 साल पहले तब मेरे साथ में ये गृह मंत्री थे मेरे, बहुत शानदार इन्होंने काम किया। जब मैं एनएसए में था तब भी ये मंत्री थे, तो कितनी लंबी इनिंग इन्होंने खेली होगी। मैं 73 की बात कर रहा हूँ जब मैं एनएसए था, जब भी मैं आता था आपके उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, उस वक्त से लगातार जब मैं बन गया मुख्यमंत्री तब मेरे गृह मंत्री बने। तो आप सोच सकते हो कि एक फ्रीडम फाइटर्स के रूप में इनका एक पैर तो आप मालूम है कि उस लड़ाई के अंदर ही वो चला गया, पर इतनी विल पावर मजबूत थी, इच्छा शक्ति मजबूत थी, जमके सेवा पूरी मेवाड़ की करी, चाहे मोहनलाल सुगाड़िया जी हो, हृदय जोशी जी हो, शिवचंद माथुर जी हो, बरगतला खान साहब हो, जगन्नाथ पाड़िया जी हो, और मेरे वक्त में मेरे साथ थे, सब ने इनके ऊपर विश्वास किया मेवाड़ को ये संभालेंगे, उनके जन समस्याओं का हल करेंगे। वो इन्होंने अपना धर्म निभाया एक सच्चे सिपाही के रूप में। इसी कारण से आपने गजेंद्र सत्तावत को, जिसको आप प्यार से बंटी कहते हो, आपने उसको आशीर्वाद दिया। अब उनकी धर्मपत्नी आपके बीच में आई है, हम सब आपसे मार्मिक अपील करने आए हैं, एक मौका उनको दे दीजिए, 2.5 साल में आप देख लेना, आपको लगे कि कोई कमी नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं और मेरे तमाम साथी मंत्रिमंडल के, जो आप समस्या बताओगे प्रीति को, जो विकास की बात करोगे, हम पूरा करें, पीछे नहीं रहेंगे, ये आपसे मैं वादा करना चाहता हूँ इस मौके पर। इस रूप में प्लीज 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 धन्यवाद। इस रूप में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सामने मौका है, उम्मीदवार तो हमारे कई साथी थे, चाहे वो भीम हो, कुबेर सिंह हो, जाला साहब हो, कई लोग साथी थे, देवेंद्र जी भी कांग्रेस थे, पर टिकट एक ही मिल रही थी, टिकट ज्यादा मिल नहीं सकती, और एक टिकट के लिए एक फैसला करना ही पड़ता है पार्टी को, हाईकमान को। तो एक फैसला होने के बाद में सच्चा सिपाही वही है पार्टी का, जो कल तक टिकट मांगने वाला भी साथ जुट जाए, कहने लग जाए, उसका मान सम्मान समाज में बढ़ता, मतदाताओं बढ़ता है। और सोनिया जी ने कहा एक बार, मैं सुन रहा था एक अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में, कि जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी मौके मिलते ही मिलते रहते हैं। इसलिए मैं सब साथियों कहना चाहूँगा कि टिकट मांगना आप हक था, टिकट मिल गया अभी प्रीति को। अब आपकी सबकी जिम्मेवारी है कि कांग्रेस अध्यक्ष की भावनाओं को देखते हुए आप सबको एकजुट होकर के काम करना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कई बार खबरें आती रहती अखबारों के अंदर, उन अखबारों की खबरों में आप मत जाया करो, क्योंकि कई बार तो अखबार वाले खुद ही अपनी स्टोरी बनाने के लिए लिखते रहते हैं, हमारे साथ ही खड़े हैं अखबार वाले भी, कई बार इनकी चलती भी है, कई बार ऊपर से आदेश होते हैं इनको, ऐसा इनको करना पड़ता है, ये मजबूरी भी है। और अभी तो पूरे देश में गोदी मीडिया है, खाली वो रवीश कुमार वाला रवीश कुमार वो सच्चे दिखा रहा है, बाकी अधिकांश मीडिया वाले तो आप देख रहे हो गोदी मीडिया के रूप में, और दबाव में मोदी जी के, उस रूप में वो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, और माहौल बहुत ही अच्छा नहीं है। जुडिशरी पे हस्तक्षेप हो रहे हैं, इनकम टैक्स CBI ED की तो आप देखते हो, जहाँ चुनाव होते हैं उसके पहले रेड होने लग जाती है, तो बहुत बड़े जुल्म हो रहे हैं देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में ये कहते हैं लोग, तो गलत नहीं कहते हैं, लोकतंत्र आज 70 साल बचा रहा, देश एक रहा, अखंड रहा, चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, नहीं बोलना चाहिए हमें, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया उस महान नेता ने, इंदिरा गांधी ने, वो इंदिरा गांधी थी, परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर 74 के अंदर। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अरे 70 साल में लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता पाकिस्तान की तरह,
आप प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? आज प्रधानमंत्री बने हो क्योंकि वोटों का राज कायम रहा है, तो वोटों का राज में गरीब से गरीब मान के का मान सम्मान है, क्योंकि MLA MP को जाके हाथ जोड़ना पड़ता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई हो, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। ये लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए जो लफड़ी करते हैं, अहम घमंड में बातें करते हैं, चुनाव दो बार जीत गए हैं और घमंड आ गया है। अब धीरे धीरे वो गांव में लोग समझने लग गए कि ये इनकी कथनी में करने में अंतर है मोदी जी की, कब तक जाएंगे देखते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और बीजेपी के अंदर चार पांच मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, चार पांच। एक तो आप जोधपुर से ही हैं, चार पांच या छह होंगे मेरे ख्याल से। अभी प्रधानमंत्री ने एक उम्मीदवार को बना दिया अपने भाषण के अंदर। तो कांग्रेस में बीजेपी में राजनीति का फर्क है, विचारधारा का भी है, सोच का भी है, नीतियों का भी है, कार्यक्रम का भी है। कांग्रेस हमेशा 36 ही कौम को साथ लेकर चलती है, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको साथ लेकर चलती है। ये कांग्रेस की खासियत है। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं अब मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने लोग शांति से बैठे हुए हो, सुने हो, मनाए हो। हम विश्वास लेके जा रहे हैं यहाँ से, आप चुनाव में प्रीति को भारी बहुमत कामयाब करेंगे, आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे बीच में अभी अभी हमारी उम्मीदवार प्रीति सकतावत